नमस्कार दोस्तों, IIC क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे स्पीड, ठीक, कि स्पीड को कैसे डिपिक्ट किया जाए। ठीक है, अब हालांकि स्पीड को डिपिक्ट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन JEE और नाटा स्केच की बात करें हम, तो लाइन की बात करें हम, तो लाइन में जो आप स्पीड दिखाते हैं वो कर्व लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, कर्व लाइन स्पीड का प्रतीक है। ठीक है, जब भी हम स्पीड की बात करते हैं तो कर्व लाइन स्पीड को शो करता है। ठीक है, और लाइन के बारे में चलो खैर थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, तो कर्व लाइन स्पीड शो करता है। फिर हम वर्टिकल लाइन की बात करें, ठीक है, तो वर्टिकल लाइन यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी शो करता है। और यदि हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो यहाँ पीस और रिलैक्सेशन की फीलिंग देता है। ठीक है, और यदि हम क्रिस क्रॉस लाइन की बात करें, ठीक है, क्रिस क्रॉस लाइन, तो क्रिस क्रॉस लाइन आपको कन्फ्यूज़न, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी बहुत गड़बड़ हो, कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। ठीक है, और रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन में से भी आप क्या है मोशन को शो करते हैं। ठीक है, तो रेडिएशन, अब ये होता क्या है रेडिएशन, जैसे आप वर्टिकल लाइन जानते हैं कि वर्टिकल लाइन ये सीधी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और कर्व लाइन की बात करें तो एक कर्व लाइन कई प्रकार के कर्व हो सकते हैं। ठीक है, तो कर्व लाइन की बात करें, क्रिस क्रॉस लाइन की बात करें तो इस टाइप की क्रिस क्रॉस लाइन, और रोटेशन की बात करें या रेडिएशन की बात करें, सॉरी रेडिएशन, ठीक है, तो रेडिएशन की बात करें तो किसी पॉइंट से चारों डायरेक्शन में लाइंस का इंटरसेक्ट करना, क्रॉस करना, ठीक है, तो ये इस टाइप की जो है, ये अब ये यहाँ पे हम इस पॉइंट से सारा रेडिएट होती हुई सारी लाइंस गई, अब ये पॉइंट की जगह हो सकता है सर्कल हो, उससे भी रेडिएट होती हुई जाएंगी, तो भी ये रेडिएशन कहलाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की ये लाइन होती है। तो यहाँ पे हमें स्पीड की बात करनी है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जब भी आप कर्व लाइन से कुछ शो करने की कोशिश करेंगे या लाइन से यदि कुछ बनाने करेंगे तो कर्व लाइन का यूज़ करेंगे तो आप स्पीड को शो कर पाएंगे। ठीक है, यदि हम मैं पर्सनली कहूँ कि कोई कंपोजिशन आपको आता है स्पीड को लेकर, ठीक है, तो स्पीड को लेकर कंपोजिशन आएगा तो स्पीड डिपिक्ट स्पीड है ना, और एक कंपोजिशन बनाना है आपको, और आपको हो सकता है कुछ एलिमेंट्स दिए हों, 2D एलिमेंट्स, ठीक है, तो या 2D शेप्स दिए हों, ठीक है, एलिमेंट्स या शेप्स, हो सकता है कि आपको सर्कल दिया हो, ठीक है, हो सकता है एक ही एलिमेंट दिया हो सकता है कि दो दिए हों, सर्कल ट्रायंगल दिया हो, स्क्वायर दिया हो, ठीक है, तो ऐसे 2 या 3 एलिमेंट हो सकते हैं जिनके माध्यम से आपको जो स्पेस दिया होगा उसमें आपको स्पीड शो करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जब हम यदि स्पीड को शो करना चाहें तो आप क्या करें, सिंपल तरीका है कि कोई भी रिदम, ठीक है, कोई भी रिदम आप बनाएंगे तो उससे आप स्पीड को शो कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि किसी भी एलिमेंट का कंपोजिशन जो है रिदम की रिदम दिखाई देगा यदि इस कंपोजिशन में, तो ये स्पीड आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देगी। ठीक है, तो अब रिदम भी क्या है कि कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब एक तो रैंडम रिदम होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनको रैंडमली जमा दिया जाए और कंपोजिशन बना दिया जाए, तो उससे भी आप रैंडम रिदम शो कर सकते हैं। रेगुलर रिदम होता है, रेगुलर मतलब रेगुलर एक ही, जैसे मान लो ट्राइंगल ट्राइंगल है, कंटिन्यूस में ट्राइंगल जा रहा है, तो इस टाइप से कंटिन्यूस में एक ही एलिमेंट यदि बार बार रिपीट हो रहा है तो ये रेगुलर रिदम होता है आपका। अल्टरनेटिंग रिदम हो सकता है, ठीक है, अल्टरनेटिंग रिदम हो सकता है। अल्टरनेटिंग में जैसे कि आपका ये सर्कल दिया है, फिर ट्राइंगल दिया है, फिर सर्कल आ गया, फिर ट्राइंगल, फिर सर्कल, फिर ट्राइंगल, ऐसे अल्टरनेट में आपके एलिमेंट कहना चाहिए ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है,
और यदि हम फ्लोइंग की करें बात, तो फ्लोइंग भी रैंडम की तरह है कि एक फ्लो दिखाई देता है इसमें, ठीक है। और प्रोग्रेसिव रिदम की बात करें तो इसमें प्रोग्रेस दिखाई देती है, मतलब प्रोग्रेस किस टाइप की, कि हो सकता है कि ये छोटा सर्कल है फिर बड़ा हुआ फिर और बड़ा हुआ फिर और बड़ा हुआ, तो इस टाइप से आपकी प्रोग्रेसिव रिदम हो सकते हैं, ठीक है। तो इन जैसे ये मैंने सर्कल को शो किया, मान लीजिए एक स्पेस दिया होता, एक ही एलिमेंट दिया होता और स्पीड शो करना होता, ठीक है, तो आप इस टाइप से भी मोशन दिखा सकते थे कि सर्कल को बड़ा करते हुए वही कंपोजिशन आप बना सकते थे, ठीक है। और हो सकता है कि आप और भी कई प्रकार से सर्कल को उसमें जमा सकते थे, रोहेंस कर सकते थे, कि जैसे ये मैंने एक लाइन बनाई और ऐसा रेडिएट होता हुआ, ठीक है, फिर आपने एक एक सर्कल बनाने चालू किए, फिर बाद में लाइन मिटा दी, ठीक है, और ये बड़े करते गए और बड़े करते गए, तो इस टाइप से भी यदि आप शो करते, अब ये कलर करेंगे तो आप ये ऑटोमेटिकली लगेगा कि ये कोई चीज़ है जो कि नीचे सेंटर से यूँ घूमती हुई ऊपर की ओर आ रही है, ठीक है। तो इस टाइप से आप स्पीड को शो कर सकते हैं। और क्या है कि स्पीड को आप शो कर सकते हैं मोशन लाइन से, ठीक है। अब यदि मोशन लाइन यदि आपने सुना हो, ठीक है, तो हम क्या कई बार क्या है मोशन लाइन से भी स्पीड को शो करते हैं, ठीक है। अब ये मोशन लाइन क्या होती है, जैसे आपने देखा हो कई कोरियर सर्विस का, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा, कोरियर सर्विस के यदि देखा हो नाम लिखा हो कोई, जैसे ए लेटर लिखा है, ठीक है, और इसमें कुछ लाइन्स हैं यहाँ पे मोशन लाइन्स बनी होती हैं, ठीक है, जो कि ये इसकी स्पीड का आभास देती हैं, ठीक है, इस टाइप की लाइन, या आप कह लें कि ये आपको देखिए ये इस टाइप की लाइन बनी होती है, ठीक है। और तो ये जो लाइन है ये मोशन लाइन्स कहलाती है। अब मान लीजिए मैं एक लाइन यहाँ ऐसी बना दूँ और ये लाइनें इस टाइप की आपको दिखाई दें, तो ये आपको ऐसा लगेगा कि ये जो एलिमेंट है ये मोशन में है, ठीक है। और हो सकता है कि जैसे मैं एक, चलिए मैं एक पेन बनाने की कोशिश करता हूँ, कि एक पेन है, मैंने एक इसको देखा था नेट के ऊपर, तो इस टाइप का मुझे दिखाई दिया था, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर क्या है कि ये, ठीक है, तो ये क्या है कि ये मोशन लाइन इस यदि एलिमेंट होगा तो इसको शो करेगी कि ये मूव हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी आप स्पीड को शो कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बेहतर तरीका यदि कहा जाए मेरे हिसाब से, यदि स्पीड को शो करना है तो आप क्या है प्रोग्रेसिव रिदम में चीज़ों को जमाएं, ठीक है। प्रोग्रेसिव रिदम मेरे ख्याल से आप समझ गए, छोटा सर्कल बड़ा सर्कल और बड़ा और बड़ा। अब ये एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या आप लाइन से यदि शो करना चाहते हैं तो एक पॉइंट से कर्व लाइन बनाते हैं, ठीक है, या ऐसे रेडिएट होते हुए या इस टाइप के कर्व से, तो इसमें भी आप क्या मूवमेंट दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे ये आइडिया नहीं है कि किस चीज़ को या कौन से 2D एलिमेंट को लेके आपको रिदम शो करना है, यदि आप वो आइडिया देते तो मैं शायद उसको ही ऑर्गेनाइज करके एक स्पीड को शो करने की कोशिश करता, ठीक है। तो और भी कई तरीके हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक तरीके हैं जिनसे कि हम स्पीड को शो करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू।